इज एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो क्या है? सो जैसा कि आप थंबनेल देखकर आए हो कि इंस्टाग्राम फीड और यूट्यूब शॉर्ट्स एंड रील्स में किस तरीके की एस्पेक्ट रेशियो यूज होती है और कितने तरीके की एस्पेक्ट रेशियो होती है। देखो वैसे तो एस्पेक्ट रेशियो काफी तरीके की होती है और फिल्म में अलग अलग तरीके की एस्पेक्ट रेशियो यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल 21:9, 16:9 और 2.39 एस्पेक्ट रेशियो, ऐसे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट रेशियो हैं। तो हम आज जो बात करने वाले हैं, आज बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम रील्स शॉर्ट्स की एस्पेक्ट रेशियो क्या है और आप एडिटिंग में किस तरीके से अपनी एस्पेक्ट रेशियो सेट कर सकते हो अपनी वीडियो को एडिट करने के लिए रील्स और शॉर्ट्स में। तो इसी टॉपिक में हम बात करेंगे। तो जो एस्पेक्ट रेशियो होती है वो तीन तरीके एस्पेक्ट रेशियो मैं आपको बताने वाला हूँ जो इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट में यूज होती है। 1:1 एस्पेक्ट रेशियो, 4:5 एस्पेक्ट रेशियो एंड 9:16 एस्पेक्ट रेशियो। तो ये तीन तरह की एस्पेक्ट रेशियो हैं जो आपके शॉर्ट्स और रील्स में यूज होती हैं। 1:1 एस्पेक्ट रेशियो वो स्क्वायर में होती है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी, और अगर 4:5 की बात करें वो स्क्वायर से थोड़ा सा बड़ा होती है। अगर हम 9:16 की बात करें तो वो आपकी पूरी पोर्ट्रेट साइज में होती है, काफी पूरा मतलब कि आपके फोन की जो पूरी स्क्रीन है उस पर वो एस्पेक्ट रेशियो आती है। तो मैं आपको यही आज बताने वाला हूँ कि एस्पेक्ट रेशियो जो है वो आप कैसे अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर में सेट करोगे और कैसे इसको कैलकुलेट करोगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर देना। हर एक पर्सन को इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाइए, हर एक पर्सन इंस्टाग्राम फॉलो कर दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो ये है 16:9 एस्पेक्ट रेशियो, कमांड एफ करता हूं। तो ये एस्पेक्ट जो रेशियो जो होती है ये किसी भी सॉफ्टवेयर में मिलती है, आप फोन में अगर टीवी वगैरह देखते हो तो वहां पर जो एस्पेक्ट रेशियो यूज होती है वो होती है 16:9 और बाय डिफॉल्ट एडिटिंग के सॉफ्टवेयर में भी ये 16:9 ही मिलती है। तो आप देख पा रहे हो इसका साइज है 90:20x180, आप देख पा रहे होगा आपकी फुल स्क्रीन पर ये दिखाई आपको दे रही होगी। कमांड एफ ये आपको समझाने के लिए है जो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर में होती है। और नेक्स्ट मेरे पास है फर्स्ट, ये एस्पेक्ट रेशियो है 1:1 इस, ये आपके इंस्टाग्राम फीड में अगर आप कोई फोटो वगैरह डालते हो स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे होगे। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है ये है 1:1 एस्पेक्ट रेशियो। ओके तो कमांड एफ करता हूँ तो ये आप देख पा रहे हो इसमें साइड साइड में आपको ब्लैकआउट दिखाई दे रहा होगा और बीच में आपको स्क्वायर सा दिखाई दे रहा होगा। तो इसका जो साइज है वो है 1080x1080, इसको भी हम सेट भी करेंगे। नेक्स्ट एस्पेक्ट रेशियो जो है वो आपकी ये है 4:5 एस्पेक्ट रेशियो, इसका जो साइज है 1080x1350 है। ये आपका इंस्टाग्राम में भी ये वाली जो साइज है ये यूज होता है, आपने कभी कभी देखा होगा, ये भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा 4:5 का साइज। ओके कमांड एफ करता हूं तो अभी आपको साइड में ब्लैकआउट दिखाई दे रहा होगा और यहां पर 4:5 की एस्पेक्ट रेशियो ये आपकी हैगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है मेरे पास 9:16 की एस्पेक्ट रेशियो, ये एस्पेक्ट रेशियो आपके पूरे फोन में फोन को कवर करेगी, जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर ये एस्पेक्ट रेशियो जो 9:16 ये है, मतलब 9:16 जो एस्पेक्ट रेशियो वो ये एस्पेक्ट रेशियो है, इसका जो साइज है वो है 1080x1920। अगर इसको फुल स्क्रीन करूँ तो आप देख पा रहे हो ये पूरा स्क्रीन पे आपका जो फोन का जो स्क्रीन है पूरा उस पर पूरा ये आएगा। तो अब बात करते हैं कि इस एस्पेक्ट रेशियो को आप इसकी सेटिंग को चेंज कैसे करोगे किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर या अपने मोबाइल में कोई ऐप है उसमें भी अगर आप चेंज कर सकते हो। सेम ये वैल्यू आप डालोगे तो आपकी जो एस्पेक्ट रेशियो है इस साइज की जो रील शॉट जो भी आपका वो आपके अकॉर्डिंग है वो सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप जाओगे डाविंची में तो बेसिकली यहाँ पे सेटिंग में आपको जाना पड़ेगा लाइक दिस। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो अभी आपकी ये एस्पेक्ट रेशियो, अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज करता हूँ सबसे पहले निकालते हैं 1080x1080 एस्पेक्ट रेशियो। तो यहाँ पर आप टाइप करोगे 1080x1080 एस्पेक्ट रेशियो, अब जैसे आप टाइप करोगे सेव तो आप देख पा रहे हो आपकी जो एस्पेक्ट रेशियो वो स्क्वायर में आ चुकी है, आपको दिखाई भी दे रही होगी स्क्वायर के अंदर। ओके अब आप देख पा रहे हो लाइक दिस, तो ये आपकी स्क्वायर में है। ओके यहाँ पर आप देख पा रहे हो ठीक है, तो बेसिकली क्या है ये स्क्वायर में हो चुका है। अब यहाँ पे ये जो एस्पेक्ट रेशियो 16:9 की नहीं है, इसको मैं डिलीट करता हूँ लाइक दिस, ये सिर्फ जूम हो गया है, बीच में लिख रखा था। ओके ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है ये है 1:1 एस्पेक्ट रेशियो, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं लाइक दिस तो आप देख पा रहे हो ये पूरा फिट है। अब ये जो एस्पेक्ट रेशियो है बिल्कुल फिट एस्पेक्ट रेशियो है, अगर मैं इसको यहाँ पर लगाऊं लाइक दिस तो आप देख पा रहे हो मेरे बॉक्स के अकॉर्डिंग ये पूरा फिट है। अगर मैं कमांड एफ करता हूँ तो आप देख पा रहे हो ये पूरा आपके साइज के अकॉर्डिंग दिख रहा है आपको एस्पेक्ट रेशियो 1:1 और 1080x1080। नेक्स्ट एस्पेक्ट रेशियो मैं आपको दिखाता हूं अब 4:5, इस एस्पेक्ट रेशियो अगर आप देख पा रहे हो तो आपको साइड में ब्लैक ब्लैक भी दिखाई दे रहा होगा आपके आसपास। ओके और ये 4:5 के एस्पेक्ट रेशियो, अब इसके साइज पे इसको हम लेकर आएंगे तो यहाँ पर 1080x1350 है, तो यहां पर आपको टाइप करना पड़ेगा 1350। तो आप देखोगे ये पूरा फिट साइज हो चुका है
पूरा का पूरा। तो ये है 4x5 एस्पेक्ट रेशियो, आपका साइज है, आप फुल स्क्रीन में भी इसको देख सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आपको कौन से एस्पेक्ट रेशियो अपने इंस्टाग्राम रील्स के लिए या शॉर्ट्स के लिए रखनी है, ये पूरा डिटेल में आपको मैंने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट है मेरे पास 9x16 एस्पेक्ट रेशियो, साइड में ब्लैक आपको दिखाई दे रहा होगा और आप देख पा रहे होगे, कमांड एफ पे करता हूँ तो आप देख पा रहे हो साइड में आपको ब्लैक दिखाई दे रहा होगा और 9x16 जो एस्पेक्ट ये है पूरा फोन में, अगर आपको पूरे जो फोन में जो आपको दिखाई देती है रील या शॉर्ट उसके एस्पेक्ट रेशियो है 9x16। इसका जो साइज है वो है 1080x1920। तो इसको अगर मैं चेंज करूँ तो 1080x1920 यहाँ पे 1920 आपको चेंज करना है 1920। तो आप देखोगे ये पूरा साइज जो है वो चेंज हो चुका है। अब आप देख पा रहे हो ये जो साइज है पूरा चेंज हो चुका है, पूरा का पूरा फिट हो गया है। ये आप देख पा रहे हो फोन के जितना पूरा स्क्रीन आपका आ गया है 9x16। तो ये आपके पूरा फोन पे आएगा। आई होप आपको समझ में आया हो ये जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कौन सी रील्स आपको बनानी है, क्या चीज आपको बनानी है, अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। ये सिर्फ रील्स और शॉर्ट के लिए मैंने ये जो टॉपिक है आपका बनाया है, बाकी फिल्म के लिए कैसे है वो मैं आगे किसी वीडियो में कवर करूंगा। तो अब आप देख पा रहे हो ये है अब आप देख पा रहे हो ये है मेरी 1x1 की एस्पेक्ट रेशियो, जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर 1x1 की ब्लैकआउट है पूरा। और ये है मेरी 4x5 की, यहाँ पर देख रहे हो पूरा ऊपर ब्लैक बॉर्डर आ रहा होगा, पूरा फिट नहीं है। और ये है मेरा जो सेटिंग मेरी इस टाइम पर जो हो रखी है मेरे सॉफ्टवेयर में जो मैंने सेटिंग कर रखी है वो है 9x16 की। तो आप देख पा रहे हो 9x16 पूरा मेरा दिखाई दे रहा है। तो आई होप आपको ये तीनों एस्पेक्ट रेशियो समझ में आई होगी, 1x1 एस्पेक्ट रेशियो, 4x5 एंड 9x16। तो ये था इसका टेक्निक, आप अपने अकॉर्डिंग इसको ले सकते हो कि कौन कौन सी एस्पेक्ट रेशियो मुझे रखनी है। बाकी इसको आप एक तरीके से और मेजर, अगर आपके पास एडिटिंग का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपकी जो एस्पेक्ट रेशियो कैसे निकालनी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको जाना है गूगल पर और यहाँ टाइप करना है एस्पेक्ट रेशियो कैलकुलेटर। तो जैसे टाइप करोगे एस्पेक्ट रेशियो कैलकुलेटर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कोई भी कैलकुलेटर काफी सारे मिलते हैं, आप कोई भी चूज कर सकते हो, मैं चूज करता हूँ एस्पेक्ट रेशियो कैलकुलेटर ये वाला। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर पूरा का पूरा इस पर एक्सप्लेन भी आपको कर रखा है कि आपको किस तरीके से करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सप्लेन। तो मैं एक बार आप ये है 9020x180 की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो शो इमेज, अगर आप इमेज देखोगे तो आपको इस तरीके से शो होगा, अगर हाफ में शो कराओगे और यहाँ पर अगर क्लिक करोगे रेशियो तो फुल में शो होगा। ये पूरा आपका जो 16x9 का जो पिक्चर है जैसा आप देख पा रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया था। अब इसमें हम लगाते हैं 1x1 के एस्पेक्ट रेशियो 1080x1080। तो यहाँ पर 9020 है, अब आप देखोगे मैं यहाँ पर इमेज हटाता हूँ, शो इमेज हटाता हूँ, यहाँ पे 1080 टाइप करूंगा, 1080। तो आप देख पा रहे हो 1080 1x1 एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पर लिखा भी आ गया है। तो अगर शो कराओगे इमेज तो इसका पूरा इमेज आपको शो होगा, हाफ कराओगे तो इतना अगर लोगे और फुल में इतना। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको 1x1 का एस्पेक्ट रेशियो शो हो गया है। ओके आई होप आपको समझ में आया हो। अब यहाँ पर 4x5 का एस्पेक्ट रेशियो अगर हमें कुछ चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1350 टाइप करेंगे, 1350। तो आप देख पा रहे हो ये 4x5 का एस्पेक्ट रेशियो आपको शो हो रहा है एज अ इमेज, एज अ कैलकुलेटर आप लगा सकते हो कि कौन सा एस्पेक्ट रेशियो आपको चाहिए अपने रील से किसी भी चीज के लिए। तो ये कैलकुलेटर मेजरमेंट भी कर सकते हो आप और फोन में या सॉफ्टवेयर में किसी में भी एडिटिंग करके आप अपने रील बना सकते हो। नेक्स्ट है इस पे 1080x1920, अगर मैं 1920 लिखूं तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पे 1920 पर टाइप करूंगा तो 9x16 के एस्पेक्ट रेशियो ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो 1920, तो देखा जैसे मैंने टाइप करा 1920 180 था ही और विड्थ और हाइट को मैंने टाइप करा 1920, तो आप देख पा रहे हो 9x16 और यहाँ पर आप देख भी पा रहे हो पूरा का पूरा जो बॉक्स है वो आपको कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि 1080x1080 का मैंने आपको दिखाया और 1080x1350 का दिखाया, 1080x9020 का दिखाया, ये है 9x16 की एस्पेक्ट रेशियो। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज एस्पेक्ट रेशियो 1x1, 4x5 एंड 9x16। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर ऐसे वीडियो और चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं इस टॉपिक पे और भी वीडियो बनाता रहूंगा। तो अब ये एस्पेक्ट रेशियो है, आपको पता चल गया होगा कि एस्पेक्ट रेशियो क्या है, आपके रील में कौन से एस्पेक्ट रेशियो आपको यूज करनी है, किसी भी ऐप में यूज कर सकते हो, फोन वगैरह किसी में अगर आपको करना हो, बस आपको मेजरमेंट करना है, कैलकुलेट करना है और वो आपका जो साइज होगा रील का या शॉर्ट्स का या फीड का कोई फोटो का वो आपका पूरा फिट साइज आएगा। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपका कोई कटेगा नहीं साइज, काफी टाइम देखते हो आपका साइज जो होता है वो कट जाता है, वो कटेगा नहीं, पूरा फिट साइज बैठेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्फॉर्मेशन वीडियो लगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।